लग गया किससे फोन पे बात करती थी इसकी बहन की आंख। मेरा बिग बॉस में तो फाइनल नहीं हो पाया लेकिन मेरा रोडीज में फाइनल हासिल करना है तो मेहनत करनी। मेरा बिग बॉस में तो फाइनल नहीं हो पाया लेकिन मेरा रोडीज में फाइनल। तो गाइस के पुनीत सुपरस्टार रोडीज के अंदर आने वाला है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरा बिग बॉस में तो फाइनल नहीं हो पाया लेकिन मेरा रोडीज में फाइनल हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ रोडीज में। तो दोस्तों बस मेरे को सपोर्ट करते रहो रोडी। लग गया किससे फोन पे बात करती थी इसकी बहन की आंख। तो गाइस वायरल ताऊ और हर्ष बेनीवाल के बीच में कॉलअप वीडियो आया है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। कॉल डिटेल निकलवाई रेंडरी है की पता लग गया किससे फोन पे बात करती थी इसकी बहन की आंख। हर्ष बेनीवाल जिंदा नहीं छोड़ दूंगा तने। अरे कहाँ है वो हर्ष बेनीवाल? अंदर है। अंदर? अरे खुद को समझता क्या है तू भाई? ताऊ तुम किससे पूछ अंदर आए भाई? अरे मैंने पूछने की जरूरत ना है, मेरी गर्लफ्रेंड की तेनू बता। मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं तो खुद भी तुम चेकमेट आ गई ना मेरी 11 तारीख को। तेरा बेडरूम कहाँ है बता? बेडरूम तो ये है। ओए ए, ए, एक सेकंड यहाँ नहीं आऊंगा, बीच में पाड़ दूंगा। ऐसे कैसे पाड़ दूंगा? हाल में कह रहा हूं फर्क पड़ता है तो बस एक चीज। और वहीं बात करें मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में, तो अभी तक उन्होंने अपना घर का या घर के सदस्यों का कभी भी रिवील नहीं किया है, कभी बताया नहीं है कि वो कहाँ रहते थे पहले। लेकिन इस वीडियो में उन्होंने एक रील शेयर की है कि वो कहाँ रहते थे और उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग किया है, मैं आपको वो छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। बरसात के मौसम में यहाँ पे बहुत सारा पानी टपकता है और ये मेरा घर है और यहीं से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए, किस हाल में पैदा हुए, फर्क पड़ता है तो बस एक चीज है जिसकी आप ख्वाहिश रख सकते हैं। अगर वो सब हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पूरे 10 साल यहाँ पर बिना बिजली के टपकते हुए पानी के अंदर बिना कुछ सोचे समझे मेहनत की और आज मेरे पास आप लोग।